नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सरकारी बंगले को खाली करने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा नेता अनिल बलूनी को चाय पर बुलाया। बलूनी को आवंटित किया गया है बंगला। प्रियंका गांधी को मिला है 1 अगस्त तक यह बंगला खाली करने का नोटिस। चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरा भारत का जासूसी सैटेलाइट कौटिल्य। चीनी आर्मी की पोजीशन के इनपुट जुटाए। खबर के आने के बाद से चीन में मचा हड़कंप। भारत में पिछले 24 घंटों में सामने आए 49,931 नए मामले। 24 घंटे में 708 लोगों की मौत। कांग्रेस का भाजपा की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। देश भर में राजभवनों का घेराव। कांग्रेस का आरोप, निर्वाचित सरकारें गिराने के षड्यंत्र के विरोध में प्रदर्शन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट सोमवार दोपहर 3 बजे जारी होगा। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम विभाग की वेबसाइट और ऐप पर देख सकेंगे। राम मंदिर निर्माण के समय नींव में 2000 फुट नीचे डाला जाएगा टाइम कैप्सूल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का फैसला। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम में नया मोड़। पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ने वाले 6 विधायकों को जारी किया व्हिप। बढ़ेगी गहलोत सरकार की मुश्किलें। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा ऐलान। कोरोना के गंभीर मरीजों को दिया जाएगा 40,000 का जीवन रक्षक इंजेक्शन। जीवन रक्षक इंजेक्शन, टोसिलीजुमेब और प्लाज्मा पद्धति उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। दक्षिण पश्चिम चीन में अमेरिका के एक वाणिज्य दूतावास से अमेरिका के झंडे को उतार दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने चीन सरकार के आदेश के अनुसार चेंगदू वाणिज्य दूतावास परिसर को खाली कर दिया है। हॉलीवुड अभिनेत्री और 2 बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता रही ओलिविया डी हैविलैंड का 104 साल की उम्र में पेरिस में निधन। वे ऑस्कर पुरस्कार विजेता जॉन फॉन्टेन की बहन थी। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए वेबदुनिया.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।